मॉर्निंग एंड आई एम आउटसाइड माय हाउस बिकॉज मेरे घर में सब लोग सो रहे हैं। और 3:30 को कोई भी जगह रहता है स्पेशली लॉकडाउन में। तो आज हम जा रहे हैं थॉमस के साथ, वही जो पंचर हो गया था उसका, वही आदमी है जस्ट बॉट क्लीट्स अच्छी। तो क्लीट खरीदे हैं उसने एंड विल गो हैंगिंग आउट एंड सॉरी फॉर द लास्ट व्लॉग में जो हुआ टिकटॉक वाला, माफ करना कभी गलती से इधर उधर निकल जाता। अबे साले सो आज भी करेंगे, आज नॉर्मल आज कपड़े चेंज। तो भाई अनफॉर्चुनेटली मैं अपने जूते देखा था क्लीट्स एंड ये फट रहे हैं, यू नीड टू मच पावर। तो वेरी क्विक टू द रेस्क्यू। वैसे मैं एरल डाइट लगाता हूँ नॉर्मली, आधा रेडी हुआ हूँ आधा नहीं हुआ, जस्ट जल्दी जल्दी करेंगे। इसमें है ही नहीं। अबे साले आ चुकी है, थैंक गॉड इसने बैग पूरा सा। निकल रहा था चलो, मेरे को पता ही नहीं चला निकल रहा था। इट्स जस्ट लाइक फिक्सिंग अ ब्रोकन हार्ट विच कांट बी डन, सो जुगाड़। ये थे कुछ शब्द लव गुरु जयंत के। ऐसे ही मधुर वाणी सुनने के लिए ट्यून इन टू रेडियो मैग्निस 69.9 FM। अबे साले। तो गाइस हम रहे हैं निकल, क्लीट्स पहने जा रहे हैं और हाँ मैंने बॉटल पहले ही रख ली बिकॉज लास्ट व्लॉग में मैं बॉटल भूल गया था। सो लेट्स डू दिस। पूरे रोड पे दो गाड़ियां, एक गाड़ी और रोड है गीला बिकॉज कल बहुत तेज की बारिश हुई थी। I don't know why. It's going to be crazy ride, man. Crazy ride. तो हम आ चुके हैं, तो हम आ चुके हैं और मैंने रिफ्लेक्टिव जैकेट्स पहन ली बिकॉज लाइट्स नहीं है और एकदम रिक्स नहीं लेने का रे बाबा। मेरे को इस बार रिक्स लेने का ही नहीं है, बिल्कुल रिक्स नहीं लेने का है। हमें यहाँ पे थॉमस मिलने वाला है, अभी तक आया नहीं है बट ही विल कम रियली फास्ट बिकॉज वी आर ऑलरेडी वेरी लेट, वी आर वेरी फास्ट एंड वी आर लेट। 5 मिनट लेट हैं, ज़्यादा नहीं, 4:10 को बोला था, वी आर हियर एट 4:15। सो विल वेट फॉर हिम एंड देन द सेम रूट IIT संगारेड्डी, ब्यूटिफुल स्ट्रेच, अमेजिंग। द गाय इज स्टैंडिंग राइट देयर, इधर खड़ा है वो, लाइट नहीं जला रखी उसने, ब्लर ब्लर दिखेगा कोई फायदा नहीं है। हम उसके पास जाते हैं एंड वी विल मूव अहेड। तो हम पहुंच चुके हैं, जुबिन इज हियर विद हिज न्यू क्लीट्स एंड लेट्स गो। हे गाइस, सो देयर इज अ, दिस इज अ स्ट्रेच फ्रॉम व्हाट वाई जंक्शन टू मियापुर विच इज अमीनपुर लेक जो हम लोग गए थे, विच इज लेक यू राइडिंग, द लिंक टू दैट विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। वहां तक इट इज लाइक हेल, लिटरल हेल। मेरे पीछे है थॉमस, वो लाइट जल रही होगी, मतलब पूरा ऐसे हिल जाता है आदमी, फुल पावर इज जनरेटेड देयर एंड मैक्सिमम स्पीड हमने मारी होगी व्हाट 50 अराउंड एंड एवरेज मेंटेन किया है 30
30-31 फ्रॉम देयर लग गए हुए हमारे। अब मैं ज़्यादा व्लॉग नहीं करूँगा बिकॉज काफ़ी दिनों यू नो इतना स्पीड राइड कर रहा हूँ, तो व्हेन वी स्टॉप विल व्लॉग देयर। बज रहे हैं 5:30 इन द मॉर्निंग। अब मैं जुबिन के साथ विद हिज न्यू क्लिप्स। मज़ा आ रहा है जुबिन क्लिप्स के साथ? मज़ा आ रहा है आज तो, बट थोड़ा मुश्किल हो रहा है। या यार फर्स्ट टाइम तो होता है। ऑलवेज कीप इन माइंड थोड़ा प्रैक्टिस करना पहले। हाँ वो इसीलिए आज कम कर रहा हूँ 70 किलोमीटर का। यस प्रैक्टिस करना है पहले क्लिप्स के पहले, तो मस्त भगा सकते हैं। रिफ्लेक्टिव जैकेट्स काम आ रहे हैं एंड ही हैज लाइट, सो नो वरीज अबाउट दैट। अभी कुछ ब्लॉग नहीं किया क्योंकि इट्स 5:30 इन द मॉर्निंग, अभी तक कोई उठा भी नहीं होगा घर में। रोड भी नहीं दिख रहा, रोड पे भी ढंग से कोई नहीं दिख रहा। वी हैव लाइट्स तो थोड़ा बहुत चल जा रहा है ना। या बस तो बहुत मुश्किल हो रहा। अभी घर जाएंगे, घर जाने से पहले थोड़ा मॉन्टाज एंजॉय किया। हमारा हो चुका है अभी व्हाट 50 किलोमीटर हो चुके हैं। थॉमस की साइकिल मेरी साइकिल यहीं पे खड़ी है। थॉमस गए इवेंट टू लू, बहुत दिमाग खराब हो रहा है। देयर आर लॉट ऑफ हेडविंड्स इन द वे। और एक बात, मेरा चेन में पॉलीथीन फंस गया था। आई वी हैड टू स्टॉप एंड रिमूव दैट क्विकली एंड गेट गोइंग बिकॉज वी आर लेट ऑलरेडी। यहाँ पे रुके हैं, आस पास कोई नहीं है मगर फिर भी मास्क पहना हुआ है, गिर रहा हूँ मैं। सो साउंड, एक आवाज आई थी मेरे को टक करके, कुछ हुआ तो नहीं थैंक गॉड, बट इट वॉज स्कैरी। अच्छा है मेरे साथ थॉमस है, आगे चला गया है। लेट्स गो, लेट हो रहे हैं हम। साइड में रुका था अभी थोड़ी देर। ज्यादा स्लो हो जा रहे हैं नारे। हो चुकी है लिटरली, पूरा भी बैठ के नलके के नीचे साफ करना पड़ेगा। एंड या दैट्स प्रीटी मच इट। मैं भी कुछ बोल नहीं ले हैं क्योंकि मैं बहुत बताऊं मेरे ये देखिए को ऐसे लगता है कोई पान थूक के चला गया। बहुत गंदे हो रखे हैं क्लीट्स एंड एवरीथिंग। आई क्लीन इट, आई क्लीन माय सेल्फ एंड आई गो होम। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, गुड नाइट, शब खैर, कैलाश खैर। एक मिनट मैं ये साइमन से इसका गुड बाय क्यों बोल रहा हूँ। Until next time, see you next time. और थॉमस भी तब चला गया, मैं सोने जा रहा हूँ।
It has been raining from the morning, but ना तो ढंग से रेन हो रही है ना ढंग से धूप आ रही है, ये बीच में क्यों अटक रहा है मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मतलब बेमतलब की बाइक गंदा हो गया हमारा। मॉन्ट्रा स्पॉन्सर्स प्लीज प्लीज प्रिटी प्लीज।